चंदन कियारी के बोरियाडी पंचायत के मुक्तापुर मोड़ में ईद मिलन समारोह आयोजित की गई। चंदन कियारी प्रखंड के अंतर्गत बोरियाडी पंचायत के मुक्तापुर मोड़ में ईद मिलन समारोह का आयोजन किया गया, जहां बड़े हर्षोल्लास भाईचारे के साथ पूरे गांव के हिंदू मुस्लिम भाई मिलकर ईद मिलन समारोह मनाए, जहां मुख्य अतिथि के रूप में मुखिया संघ के अध्यक्ष देवाशीष सिंह, विशिष्ट अतिथि के रूप में प्रखंड प्रमुख निवारण सिंह चौधरी, झामुमो जिला उपाध्यक्ष सह युवा नेता विजय रजवार, समाजसेवी सह पूर्व जीप सदस्य प्रत्याशी अब्दुल बारी, पंचायत समिति सदस्य हिकमत अंसारी, पूर्व मुखिया शांति राम ठाकुर, मुखिया प्रतिनिधि राजीव राय समेत मुस्लिम समाज के अलावा हिंदू समाज के कई गणमान्य जन मौजूद रहे। मौके पर मुख्य अतिथि देवाशीष सिंह ने ईद मिलन समारोह में मुस्लिम भाइयों और हिंदू भाइयों के बीच भाईचारे को बढ़ावा मिलता है कहा कि हमेशा बोरियाडी पंचायत में इसी तरह भाईचारे के साथ हिंदू मुस्लिम का त्यौहार मनाया जाता है। प्रखंड प्रमुख ने कहा कि ईद मिलन समारोह में समाज में एक अच्छा संदेश जाता है, ऐसे कार्यक्रम करने वालों को तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। कहा ईद मिलन से हमारे बीच भाईचारे को मिलती है। विजय रजवार ने कहा कि ईद मिलन समारोह में पहुंचकर मुझे बहुत खुशी हो रही है, ईद मिलन से हिंदू मुस्लिम भाई के बीच भाईचारी बढ़ती है। समाजसेवी अब्दुल बारी ने कहा कि ईद खुशी का त्यौहार है, भारतीय त्यौहार के नाम से जाने जाते हैं। ये त्यौहार अमन चैन सुकून शांति का पैगाम देता है। रोज़ा में एक महीने भूखे रहकर गरीबों का हाल जाना जाता है। कहा ईद त्यौहार का अजीब नज़ारा है। इस अवसर पर बाबू सोना, प्रदीप रजवार, सुभाष महतो, चंचल सिंह, मुस्लिम अंसारी, कुसुद अंसारी, सादिमानी अंसारी, आलिमुद्दीन सहयो अंसारी, सैफुल्ला अंसारी, साहिद अंसारी, जियाउल अंसारी, सख्तार अंसारी आदि उपस्थित थे। ब्यूरो टेस्ट जनमानस समाचार। मोड़ में ईद मिलन समारोह का आयोजन रखा गया, इसमें मैं अब्दुल बारिक साहब को धन्यवाद दूंगा और हमारे मुखिया संघ के पूर्व अध्यक्ष और हमारे अभिभावक, हमारे इस पंचायत के पूर्व मुखिया जी देवाशीष सिंह को मैं धन्यवाद दूंगा कि इस तरह का ईद मिलन समारोह में हम सभी को एक मंच पर लाने का काम किए, ये धन्यवाद के पात्र हैं। और मैं अब्दुल बारिक साहब को पुनः धन्यवाद दूंगा, इनके कमेटी को धन्यवाद दूंगा और हमारे चंदन कैरी प्रखंड में ईद मिलन समारोह का ये पहला प्रोग्राम आज तय हुआ है और होते रहेगा। मैं अब्दुल बारिक साहब को धन्यवाद दूंगा कि ये मुक्तापुर मोड़ में बोरियाडी पंचायत अंतर्गत ईद मिलन समारोह मनाएँ और आगे भी मनाते रहें। इन्होंने मंच में कहें कि अगला साल से और हम लोग बढ़ चढ़ के ईद मिलन समारोह मनाएंगे और हिंदू मुस्लिम हम लोग आपस में एक होकर के इस पावन पर जो इन लोग एक महीना इन लोग धूप की जलाती हुई धूप में न पानी पी के न कुछ खाना खा के पूरा दिन भर इन लोग रमजान का महीना में रहते हैं और सुबह रात होते ही शाम ढलते ही 6 बजे के बाद इन लोग रोजा खोलते हैं और 1 महीना 30 दिन के बाद जब ईद का चांद दिखते हैं तो ईद मनाते हैं। और इस ईद मिलन समारोह में आए हुए सभी हमारे पंचायत समितिगण, मुखियागण और मुक्तापुर बोरियाडी लंका पंचायत के हमारे सुभाष जी और हमारे अमयनगर के मुखिया जी और पूर्व मुखिया जी मास्टर साहब, हमारे अभिभावक है, समाज सेवी भी मैं सभी को धन्यवाद दूंगा और आप लोग प्रेस मीडिया भाई बंधुओं को भी मैं धन्यवाद दूंगा कि आप लोग इस तरह का प्रोग्राम हम लोग मनाते हैं और आप लोग आते हैं, ये आप लोग धन्यवाद के पात्र हैं। आपसी खुशी अमन चैन का एक ये पर्व है, एक प्रकार से ये मैसेज देता है। हाँ, ये आपसी खुशी अमन चैन का पर्व है। हमारे चंदन कियारी लोग हम लोग भाईचारा का साथ होली हो, ईद हो, जो भी त्यौहार होता है हम लोग भाईचारा का साथ मनाते हैं। हम लोग चंदन कियारी प्रखंड के अंतर्गत हम लोग का आज तक ऐसा कोई घटना नहीं घटा है, न ईद हो या होली हो, शबे बारात हो, कोई भी त्यौहार हम लोग मिल के मनाते हैं और आगे भी हम लोग मिल के मनाएंगे, यही कह के हम लोग चलेंगे। मैं सबका धन्यवाद अदा करूँगा, सबका, हमारे देवाशीष सिंह जी का, निवारण सिंह चौधरी जी का जो प्रमुख भी हैं, समाज सेवी भी हैं, हमारे कथा भी सुभाष का, सुभाष महतो जी का और तमाम लोगों का, तमाम अलग अलग पंचायत का, ये गाँव लोगों का धन्यवाद अदा करता हूँ। ये
ऐसा लगा कि हम सबको ऐसा करना चाहिए। ईद है और ईद खुशी का त्यौहार है, खुशी सिर्फ हमारे लिए है, खुशी सबके लिए है। तो सबके लिए, सबके खुशी में सबके साथ बैठाया जाए, सबके साथ खाया जाए, सबके साथ उठाया जाए और सबके साथ चला जाए। और हमने इसी तरह बैनर भी, पोस्टर भी इसी तरह बनाया है कि सबको बैनर में सबका तस्वीर दिया है। अजीब खूबसूरत अंदाज में हमने तस्वीर दिया है बैनर में। तो हम ये चाहते हैं कि ये त्यौहार अमन चैन सुकून शांति भाईचारा और एकता मोहब्बत के त्यौहार और मोहब्बत के बात में कहें, आगे मिलजुल कर बांटें और कोशिश करें कि हर घर तक ये पैगाम पहुँच जाए। रोजा रखने के पीछे क्या कारण है, रोजा रखने से कौन सा मनोवांछित फल प्राप्त होती है, इस पर थोड़ा आप कहने का। बहुत सारे लोगों को खाना नहीं मिल पाता होगा, गरीबों के दुख दर्द को जान सके, प्यासों को दुख दर्द को जान सके, प्यासों को ही पता चलता है प्यासा कैसा लगता है, भूखों को जान सकता है भूखे की कदर को। और इससे ये दर्श और इससे ये सबक मिलता है कि एक महीना जो हम लोग भूखे रहते हैं, गरीबों को और भूखों को, इससे हम लोग इससे समझ सकते हैं कि भूख की हालत में लोगों की क्या परिस्थिति है। तो इससे गरीबों को भी एक मैसेज देता है, इसलिए सदकुत्र फितर अदा करने के लिए कहता है कि नमाज से पहले पहले दूर का नमाज जो वाजिब है पहले पहले हम लोग सदकुत्र फितर अपने जान का सदका फितर अदा करते हैं, गरीबों को बांटते हैं, गरीबों को दान करते हैं, देते हैं, ज़कात के नाम से हो, सदका के नाम से हो, फितरा के नाम से हो। और ये बहुत खूबसूरत, अजीब और खूबसूरत और एक निराला अंदाज में त्यौहार पेश करते हैं। आप लोग का समुदाय में कौन कौन रोजे रख सकते हैं? हम लोग के समुदाय में बच्चा और मतलब बच्ची छोड़ के तमाम चंदन कैरी मुसलमान लोग मुख्य अतिथि हिसाब से हमको यहाँ पर बुलाया है, इसलिए हम यहाँ का हराजुरी मोड़ का व मुक्तापुर मोड़ का अब्दुल बारी को इसलिए हम धन्यवाद दे रहा हूँ। आज जो ईद मिलन में उपस्थित निवारण भाई प्रमुख और सभी मुखिया और सभी समिति जो आया है, इन लोग को भी मेरा तरफ से हार्दिक अभिनंदन व ईद मुबारक। सभी मुसलमान लोग से हमारा आग्रह है जे ईद मिलन एक हिंदू मुसल का मिलन जो किया यहाँ पर, इसके लिए हम सभी